श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज श्रावण मास का प्रदोष व्रत है, यानी कि प्रदोष का दिन है, और आज के दिन भगवान शंकर की आराधना करने का एक विशेष महत्व होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में आए हैं। इतना पानी गिरने के बाद भी, इस समय पानी गिर रहा है यहाँ पर, और इतने पानी गिरने के बाद भी लोगों के मन में जो श्रद्धा है वो कम नहीं है। पानी गिर रहा है लेकिन लोग अपना काम वहाँ पे कर रहे हैं, अपना काम मतलब वहाँ जो भगवान की पूजा पाठ है वो उसमें लगे हुए हैं, और पानी का उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पानी गिर रहा है आप देख भी रहेंगे, सारी जगह पानी पानी भरा हुआ है लेकिन फिर भी लोग लगे हुए हैं। इसी बीच हमारे बीच में पंडित जी आ चुके हैं, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा, वो लोगों से मिल रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि हमने पंडित जी के लाइव यहाँ दर्शन किए हैं, हमारे बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं और लोगों की समस्या को सुन रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम कि यहाँ पे आप मंदिर का दृश्य देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे होंगे इस समय पानी गिर रहा है मंदिर का दृश्य। लोग अपने को आपको बचाने के लिए, कुछ लोग मंदिर के अंदर है, कुछ लोग घूम रहे हैं, और इसी तरह से पूरे टाइम जब तक भी हम यहाँ रहे हैं तब तक लोगों का आना जाना बना रहा है, लोगों का तांता यहाँ लगा रहा, और सभी काम उसी तरह से सुचारू रूप से चलते रहे जिस प्रकार से कि हमेशा होता रहता है, चाहे पानी गिरे या ना गिरे। पानी गिरने के बावजूद भी लोगों के मन की श्रद्धा जो है वो कम नहीं हुई है, और लोग उसी प्रकार से अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं जिस तरह से वो आम दिनों में करते हैं। आज भी वैसे आम दिन ही है लेकिन प्रदोष होने के कारण यहाँ पे भीड़ कुछ ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं हैं जो पीपल और आंवली का जो पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है उस पेड़ की पूजा कर रही हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेड़ लगे हुए हैं, ऐसे वृक्ष लगे हुए हैं जिनकी यहाँ पे लोग पूजा करते हैं। और इस तरह से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पर सभी सामग्री लेकर आते हैं और उन सामग्री के द्वारा यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। कि यहाँ पे एक आंवले के बड़ा सा पेड़ है, इस पेड़ के सारी आजू बाजू सभी लेके महिलाएं खड़ी हुई हैं और वो अपनी अपनी पूजा कर रही हैं, अपनी अपनी पूजा मतलब अपने अपनी तरीके से पूजा कर रही है, और भगवान भोलेनाथ से अपने मन चाह वरदान जो मांगते हैं, मन चाह जो मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए यहाँ पे लोग धागा भी बांधते हैं और सभी लोग अपनी अपनी जो मनोकामना है उसको लेकर यहाँ पर आते हैं और भोलेनाथ उनकी मनोकामना को पूरी करते हैं। इसीलिए तो लोग यहाँ पर इतने आते हैं। अभी यहाँ पे मंदिर बना नहीं है, मंदिर बन रहा है, कोई मूर्ति यहाँ पे स्थापना नहीं हुई है, मूर्ति की स्थापना होना बाकी है, मंदिर बनना बाकी है। इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि जो मंदिर में लोगों की भीड़ रहती है वो ऐसी रहती है जैसे सालों हो गए हैं इस मंदिर को स्थापित हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मंदिर अभी निर्माणाधीन है, काम चल रहा है, लेकिन लोग का हुजूम इस प्रकार से आता है जैसे कि मानो बहुत ही पुराना यह मंदिर हो, क्योंकि इस जगह की एक ऐसी विशेषता है कि यहाँ पर आने वाले हर इंसान का काम जरूर पूरा होता है मात्र 3 महीने में, बल्कि उससे भी पहले। मैं तो कह रहा हूँ मेरा काम तो मात्र 17 दिन में यहाँ पर यहाँ से पूरा हुआ है, जो मेरी मनोकामना थी वो मात्र 17 दिनों में यहाँ पर पूरी हुई है। इसलिए इस जगह की महत्वता बहुत है, इसीलिए लोग यहाँ पर आए दिन आते रहते हैं और अपनी मनोकामना पूरी कर